guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to show you how to straighten your hair without using any hair straightener. So guys, as you can see, आप देख सकते हो मेरे हेयर अभी कितने स्ट्रेट लग रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसमें बिल्कुल भी हेयर स्ट्रेटनर यूज नहीं किया है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या अप्लाई करो अपने हेयर पे, ऐसा कौन सा रेमेडी यूज करो जिससे आपका हेयर जो है बिना हेयर स्ट्रेटनर के बिल्कुल स्ट्रेट लगे. आप देख सकते हो ये. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, एज यू कैन सी, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, शैम्पू कर लिया है. शैम्पू के बाद मैंने अपने हेयर पे कंडीशनर भी अप्लाई किया था. तो इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ. इसके बाद आपको क्या करना है, किस चीज को अप्लाई करना अपने हेयर पे जिससे आपका हेयर जो है वो बिना स्ट्रेटनिंग के बिल्कुल स्ट्रेट हो, और कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ. तो गाइस, शैम्पू करने के बाद हमें एलोवेरा जेल अप्लाई करना है अपने हेयर पे. लेकिन एलोवेरा जेल अप्लाई करने से पहले आपको अपने हेयर को कॉम्ब करना पड़ेगा, कंघी करनी पड़ेगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बाल अभी गीला रहेगा, आपने शैम्पू किया रहेगा, तो आपका जो हेयर है वो उसका जो स्कैल्प होगा यानी जड़े जो उसकी होंगी वो अभी कमजोर होती हैं गीले में. तो आपको मोटे दांत वाली कंघी यूज करनी है. जैसे आप देख सकते हो ये है मोटे दांत वाली. तो इसके हेल्प से आपको कंघी करनी है. आपको अपने बालों को सुलझाना है. देख सकते हो गाइस, ये कितनी आसानी से मेरे पूरे बाल इधर एक साइड के सुलझ चुके हैं. सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा बाल कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सुलझ चुका है. पूरा हेयर मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, देख सकते हो. अब इस तरीके से मैं अपने दूसरे साइड का जो हेयर है वो सुलझा लूंगी. सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने अपने दोनों साइड के बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, कॉम्ब कर लिया है मैंने. अब इसके बाद हम अपने हेयर पे, अपने बालों पे एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे. इसको पार्ट वाइज में डिवाइड करके इस तरीके से.
सो गाइज इस तरीके से आपको अपने पूरे हेयर पे एलोवेरा जेल अप्लाई करना है और आप अपने हाथों को जो है वो इस तरीके से जस्ट लाइक कोन आपको ऐसे करते जाना है जब तक ये सूख ना जाए। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा हेयर हाथों से, कॉम्ब से नहीं, हाथ से अपने पूरे हेयर को इस तरीके से करते जाना। जैसा कि आप देख सकते हो, आप एक मेरा जो आगे का छोटा वाला हेयर है वो हल्का सा कर्व हो चुका है, तो इस पे हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे इसको स्ट्रेट करने के लिए। ऐसे एलोवेरा जेल लिया मैंने, देखिएगा इस तरीके से इसको अब ऐसे अपने हाथों से कॉम्ब करते जाना है ताकि उस पर जो एलोवेरा जेल लगा है वो स्ट्रेट वे में उस पर लगा रहे और वो उसी तरीके से सूख जाए, फिर स्मूथ हो जाए। और हमारा पूरा हेयर ऐसे ही करना है हमें जिससे जब तक ये सूख ना जाता है। ठीक है गाइस, सो गाइस मेरे हेयर बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हेयर स्ट्रेटनर यूज किया है अपने हेयर पे, लेकिन ये बिल्कुल ही स्ट्रेटनर यूज नहीं किया हुआ है मैंने, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ये आपका हेयर ऐसे एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद और इस तरीके से अपने हेयर को हाथों से कॉम्ब करने से आपका हेयर बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेटनर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा आपका हेयर विदाउट यूजिंग एनी हेयर स्ट्रेटनर। आप देख सकते हो So guys, I hope you like this video. If you like this video, then give us a thumbs up and also subscribe to my channel for more such beauty videos from me and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Have a good day.